हिमाचल का सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र परमाणु पर डेंगू मच्छरों का आतंक है। डेंगू मच्छरों के कारण करीबन 26 रोगी 2 माह में डेंगू मच्छरों का शिकार हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोज परमाणु की ओपीडी में करीबन 10 मरीज बुखार से ग्रस्त हो रहे हैं, ईएसआई अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग और परमाणु नगर परिषद हरकत में आ गया है और कल से परमाणु में मच्छरों को मारने के लिए फोगिंग की जा रही है और सफाई रखने के आदेश भी दिए गए हैं और क्षेत्र के उद्योगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने कहा कि परमाणु में पिछले काफी वर्षों से डेंगू का मच्छर पनप रहा है, जो कि फॉगिंग करने के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। यही कारण है कि परमाणु में डेंगू के मामले ज्यादा आते हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि परमाणु में उद्योग होने की वजह से गंदगी ज्यादा फैलती है और सफाई करने के लिए उद्योगपतियों का उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। इसलिए इस बार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और परमाणु में एपिडेमिक एक्ट लगा दिया गया है, जिसके तहत अगर उद्योगपति उनका सहयोग नहीं देंगे तो उन पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब बात यह है कि पिछले 3 वर्षों से परमाणु में डेंगू मच्छरों का प्रकोप है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद परमाणु की नींद नहीं टूटी है और यही वजह है कि फॉगिंग मशीन तो दूर व परमाणु क्षेत्र की सफाई भी ठीक से नहीं कर पा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कई बार नगर परिषद को फॉगिंग मशीन खरीदने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद टांग पर टांग रखकर यह शहरवासियों को बीमार होता देख रहा है। पिछले कोई 10 दिन के अंदर हमारे परमाणु इलाके से जो ईएसआई परमाणु से 27 केस जो डिटेक्ट किए गए हैं डेंगू के, उनमें से 17 केस तो लोकल परमाणु के हैं, मगर जो 10 केस उसमें हैं वो कालका के आते हैं। हमारे परमाणु में क्या है, फैक्ट्रीज, एक तो फैक्ट्रीज है वहां पर, दूसरे जो डेंगू का जो मच्छर है वो कई सालों से वहां पर फैल रहा है, पनप रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम इस मच्छर को एकदम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। इसको कम करने के लिए हम कोशिश करते आए हैं पिछले 3 सालों से भी। कई जगह क्या होता है, फैक्ट्रियों में लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी जो हमारा एपिडेमिक एक्ट है उसके अगेंस्ट वो एपिडेमिक एक्ट वहां लगाया गया है, ताकि अगर कोई लोग हमारे को इंटरप्ट करते हैं हमारे काम में, हमारे वर्कर्स को इंटरप्ट करते हैं, उनमें जाने नहीं देते अंदर कि चेक करने के लिए कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां से मच्छर पनप रहा है या लार्वे है, तो उसमें डेंगू एक्ट के लिए एसी परमाणु को पावर्स दी गई है ताकि वो उसमें कार्रवाई कर सके।